यूपी का बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी चौतरफा घिरता जा रहा है। एक तरफ प्रयागराज में मुख्तार अंसारी के दो गुर्गों को एसटीएफ की टीम ने ढेर कर दिया, तो वहीं आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में मुख्तार अंसारी पर सुनवाई हुई। इधर पंजाब विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन सदन में शिरोमणि अकाली दल ने मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश की जेल में ट्रांसफर नहीं करने का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। सदन में पूर्व मंत्री और विधायक विक्रम मजीठिया ने पंजाब सरकार पर इसको लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, कैप्टन सरकार एक बाहुबली और गैंगस्टर पर सरकारी पैसा खर्च कर रही है। तीन तस्वीरें सुप्रीम कोर्ट में, अहम सुनवाई, फैसला सुरक्षित रख लिया गया। इधर आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के पंजाब से यूपी ट्रांसफर को लेकर सुनवाई हुई। आज पंजाब सरकार के वकील ने अदालत से कहा, उन्हें मुख्तार से कोई लेना देना नहीं है, मुख्तार से कोई लेना देना नहीं है। पंजाब सरकार के वकील की तरफ से कहा गया, वो दूसरे अपराधी की तरह है। मुख्तार पर पंजाब में उगाही का केस दर्ज है, जांच के बीच केस को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। चार्जशीट दाखिल होने के बाद मुकदमा शुरू होगा और इसमें समय लगेगा। मुख्तार अंसारी के खिलाफ पंजाब में 2019 में दरअसल केस दर्ज हुआ, जबकि उत्तर प्रदेश के केस 15 सालों से लंबित हैं और इसलिए मुख्तार को यूपी न भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। और चलिए मैं सीधा रुक करती हूँ, मेरे साथ प्रभाकर मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रभाकर, ये कितनी क्लिष्ट सुनवाई हो चली है सुप्रीम कोर्ट के भीतर, की सुनवाई हुई उसके बाद आज भी फैसला नहीं दे पाई सुप्रीम कोर्ट, क्या कारण रहा और क्या कुछ हुआ सुनवाई में? देखिए, चूंकि कल भी बहुत लंबी सुनवाई चली थी और आज भी लंबी सुनवाई चली है, और इतनी लंबी सुनवाई के बाद से तत्काल कोर्ट फैसला नहीं देता, अमूमन फैसला सुरक्षित भी रखा जाता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा। लेकिन कल और आज की सुनवाई की बात करें कि मुख्तार अंसारी को लेकर यूपी सरकार और पंजाब सरकार आमने सामने है, एक दूसरे पर आरोप लग रहा है। यूपी सरकार की तरफ से तुषार मेहता, जो देश के बड़े विधि अधिकारी हैं, सॉलिसिटर जनरल हैं, वो ये कह रहे हैं कि पंजाब सरकार और अंसारी दोनों मिल करके सुप्रीम कोर्ट को बरगला रहे हैं, और एक तरह से ये कहें कि मुख्तार अंसारी के बहाने ही ये दोनों, चूंकि दोनों राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकार है, एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। तो पहले सवाल उठा कि यूपी सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है आर्टिकल 32 के तहत, क्या वो मेंटेनेबल है, और इसी आधार पर पंजाब सरकार की तरफ से बार बार कहा गया कि ये मेंटेनेबल नहीं है। दूसरी बात यह कि पंजाब सरकार ने बात कही कि मुख्तार अंसारी एक सामान्य अपराधी की तरह से उसके लिए, उसके लिए कोई खास ऐसा नहीं है जो कि बार बार यूपी सरकार आरोप लगा रही है। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात जो मुख्तार अंसारी की तरफ से कहा गया, वो ये कहा गया कि एक पर्टिकुलर पार्टी को वो सपोर्ट करते हैं, इसलिए यूपी सरकार उनके पीछे पड़ी है। चौथी बात उन्होंने एक महत्वपूर्ण ये कही, वो ये कि उनके जान को खतरा है क्योंकि यूपी में उनके एक सहयोगी की एनकाउंटर में मौत हो गई, हत्या कर दी गई। चौथी बात, एक और महत्वपूर्ण बात हुई, उन्होंने ये कहा कि चूंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हो रही है, इसलिए उसे ही नियमित किया जाना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन यूपी सरकार बार बार इसे मुख्तार अंसारी को दोबारा से यूपी में ट्रांसफर करने की मांग कर रही है, वो सही नहीं है, उससे मनसा पर सवाल उठाया। और एक महत्वपूर्ण बात और कि मुख्तार अंसारी की तरफ से ये कहा गया कि यूपी उसे ट्रांसफर न करके जो मामले लंबित हैं यूपी में उसे दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया जाए और उसके लिए वो तैयार हैं। तो ये बड़ी लंबी बहस चली और उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया। अब फैसला ये आना है कि मुख्तार अंसारी क्या वापस यूपी जाएगा या उसके जो उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश में लंबित मामले हैं उसका ट्रायल दिल्ली में चलेगा, जैसा कि मांग कर रहा है मुख्तार अंसारी। और चूंकि मुख्तार अंसारी ने बार बार कहा है कि उसे यूपी जाने में डर लगता है, क्यों डर लगता है, इसलिए कि उसके एक सहयोगी के एनकाउंटर में मौत, हत्या कर दी गई, मौत हो गई यूपी में। तो इस तरह से अब ये देखना होगा कि यूपी सरकार की याचिका को कोर्ट मानता है या मुख्तार अंसारी की याचिका को कोर्ट मानता है। लेकिन एक बात तो तय है कि पंजाब से अब मुख्तार अंसारी अब पंजाब में नहीं रहेगा, मुख्तार अंसारी को या तो यूपी के जेल में ट्रांसफर किया जाएगा या ट्रायल दिल्ली में ट्रांसफर होगा। दलीलों में बहुत दम होता है प्रभाकर, इसलिए क्योंकि इधर पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया सामान्य है, हमारे लिए कोई खास ये कैदी नहीं है बल्कि सामान्य कैदी है और उसके खिलाफ केस भी दर्ज है उगाही का। दूसरी ओर पंजाब सरकार ये भी कह रही है कि 15 सालों से मामले लंबित हैं यूपी में, तो ये दोनों पक्षों को अगर देखा जाए दलीलें किसकी ज्यादा टिकी कोर्ट के सामने, क्योंकि उसी के आधार पर फैसला आएगा। देखिए आशा, जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि जिन परिस्थितियों में मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से पंजाब भेजा गया वो भी एक बड़ी रहस्यमय है,
और वो एक फिल्मी प्लॉट, फिल्मी कहानी के प्लॉट की तरह से है। दूसरी बात कि जो बात कही गई पंजाब सरकार की तरफ से कि 2019 चूंकि उत्तर प्रदेश में एक दर्जन से ज़्यादा मामले लंबित हैं मुख्तार अंसारी के खिलाफ, यूपी में 2019 में एक मुकदमा FIR दर्ज होता है और उसी के लिए मुख्तार अंसारी को यूपी से पंजाब लाया जाता है, तो ये जो आरोप था चूंकि यूपी सरकार ये कह रही है कि 2019 से मुकदमा दर्ज हुआ और अब तक उसमें चार्जशीट दाखिल नहीं हुआ, इसका जवाब था कि एक दर्जन से ज़्यादा मामले हैं उत्तर प्रदेश में और लंबे समय से है, 2005 से लंबित हैं और उसमें भी तो अभी जांच ही चल रही है। तो कुल मिलाकर जैसा मैंने कहा कि मुख्तार अंसारी के बहाने यूपी सरकार और पंजाब सरकार आमने सामने है, और एक तरह से जब यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पंजाब सरकार और मुख्तार अंसारी दोनों मिलकर के सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करें, ये बड़ा सवाल है। अब ये देखना होगा कि किसके तर्कों को, किनके दलीलों को सुप्रीम कोर्ट तवज्जो देता है और क्या मुख्तार अंसारी को यूपी ट्रांसफर किया जाता है या मुख्तार अंसारी के खिलाफ जो मामले यूपी में पेंडिंग है उसे दिल्ली में ट्रांसफर किया जाता है।